तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। नागपुर में हो रहे दो दिन से लगातार बारिश के कारण जिलों में छोटे बड़े डैम लबालब हो गए हैं और साथ ही नदी और नालों का पानी भी ऊपर आ गया है। कई डैम अब तो ओवरफ्लो हो चुके हैं। ऐसे में जिला आपदा व्यवस्थापन की ओर से नदी किनारे बसने वाले लोगों सहित डैम्स पर सेल्फी लेने वालों को सतर्कता की चेतावनी दी गई है। आने वाले दो दिनों में जिले में कुछ स्थानों पर अतिवृष्टि होने की भी अनुमान मौसम ने दिया है। डैम में गिरने वाला बारिश का पानी और आसपास के क्षेत्र में नहरों से आने वाला पानी का प्रमाण बढ़ गया है। ऐसे में बाढ़ की संभावना को देखते हुए जिन डैम अथवा प्रकल्पों के दरवाजे हैं, उन दरवाजों को खोलने जाने की संभावना है। जिन प्रकल्पों के दरवाजे नहीं है और जिनकी जल संग्रह क्षमता 100% से अधिक होने पर नदी और नालों से बाढ़ का पानी बह सकता है। ऐसे में नदी किनारे बसे सभी नागरिकों और किनारों को खेती करने वाले लोगों को सतर्कता की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा नदी किनारे रहने वाले गांवों के लोगों और नदी का पुल के आगमन करने वाले सभी लोगों को सतर्कता की चेतावनी दी गई है।